आप लोग, मैं आपका दोस्त बिट्टू और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल वॉइस टैंगो। सो गाइस, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो पे आप सब लोगों से बोला था कि मैं बहुत जल्द बहुत सारे एक्साइटेड और मजेदार टूर लेके आने वाला हूँ। सो गाइस, उसी में से एक आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, ये वीडियो है कुछ ऐसा जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ, आप अपने रिश्तेदार के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के टॉप बिगेस्ट पार्क में से, जिसका नाम है इको पार्क। सो गाइस, आज मैं आपको इको पार्क और उसके अंदर के जो खास और बेहतरीन नजारे वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, लास्ट तक बने रहेगा। एंड गाइस, नाइट सिक्स मिस मत करिएगा क्योंकि मजा उसमें और भी है। तो फिर चलिए गाइस, आपका वक्त जाया ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, सबसे पहले तो आपको हावड़ा पे आना पड़ेगा। फिर हावड़ा पे आने के बाद गाइस, आप हावड़ा के मेन गेट से भी जा सकते हैं या फिर आप अंडरग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, हमने अंडरग्राउंड यूज़ किया है। सो गाइस, हम लोग अंडरग्राउंड के जो सामने मेन गेट है, सो वहाँ से हम बस स्टॉप जाएंगे। फिर गाइस, हम लोग बस स्टॉप पे आए हैं। सो गाइस, आपको बस स्टॉप पे आने के बाद यहाँ पे AC 12 का बस पकड़ना पड़ेगा, जो कि AC 12 बस है, यही बस आपको लेना है। फिर यहाँ से आपको नारकेल बागर का टिकट खरीदना है। फिर वहाँ पे जो विश्व बांग्ला गेट है उसके सामने आपको उतर देगा। फिर गाइस, आपको वहाँ पे उतरने के बाद गाइस, वहाँ से फिर एक बस या फिर ऑटो लेना पड़ेगा। फिर वहाँ से गाइस, आपको इको पार्क आना पड़ेगा। फिर गाइस, इको पार्क आने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे आना है। यहाँ से गाइस, आप 1 नंबर पे आ जाएंगे। फिर गाइस, आपको यहाँ पे 1 नंबर पे आने के बाद गाइस, आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा। सो गाइस, आप यहाँ पे टिकट ले सकते हैं। यहाँ का पर पर्सन टिकट है 30 रुपीज़, ठीक है गाइस। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा है 30 रुपीज़। यहाँ का टाइमिंग सब कुछ भी है। सो गाइस, आपको यहाँ से टिकट लेने के बाद यहाँ पे टिकट को स्कैन करना पड़ेगा। सो गाइस, आप यहाँ पे स्कैन करेंगे, फिर आप अंदर चले जाएंगे। सो गाइस, आपको यहाँ पे स्कैन करने के बाद, टिकट लेने के बाद, आप अंदर जाने के बाद, सो गाइस, यहाँ पे आके सबसे पहले तो आपको गाइस मैप देख लेना है, ताकि आप कहाँ पे जाएंगे वो तय कर सकते हैं। ये रहा मैप। सो गाइस, आपको मैप देखने के बाद आप यहाँ से तय कर सकते हैं। सो गाइस, तो फिर चलिए अब वीडियो का मजा लिया जाए।
हावड़ा भी इको पार्क में आए, तो यहाँ पे मैं अपने एक दोस्त से मिला हूँ। सो मीट माय फ्रेंड সংশিতা দত্ত। আমি বাংলায় বলবো, আমি হিন্দি পারি, তারপরে হিন্দিতে বলবো না, কজ আমি বাংলাদেশি অ্যাক্ট্রেস। আমি মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ 2017 এর সেকেন্ড রানার আপ। আমি এখন এসেছি ইকো পার্কে। ইকো পার্কে এসে একজন ইউটিউবার দাদাকে পেয়েছি, আর সে চাইলো একটা ভিডিও করতে। সো আমাকে পেতে হলে অবশ্যই ইউটিউবে সার্চ করো সংশিতা দত্ত, বাংলাদেশের চ্যানেল দেখলে তো পেয়ে যাবে। আমি সংশিতা দত্ত, অ্যাক্ট্রেস অ্যান্ড মডেল ফ্রম বাংলাদেশ। तो फिर चलिए, अब हम आपको ताजमहल और उसके आसपास के जो बेहतरीन और यूनिक जो स्टैचू और उसके पास जो बेहतरीन नजारे है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए।
सो हे गाइस, तो अब आपको यहाँ से निकल जाना है एक नंबर गेट से। फिर यहाँ से जाने के बाद फिर गाइस आपको वहाँ से डायरेक्ट जाके फिर से ऑटो या फिर बस लेना है, ठीक है, नारकेल बागान के लिए। सो आप कोई भी एक ले सकते हैं। फिर यहाँ से आपको अंडरग्राउंड से जाके नीचे से इस पार आना है। फिर इस पार से फिर से आपको हावड़ा के लिए बस पकड़ना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से हावड़ा के लिए बस पकड़ सकते हैं। सो हे गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, अगर आपको इको पार्क से जुड़ी हुई कुछ भी थोड़ा बहुत जानना है तो फिर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। गाइस, अगर आपको विंटर में कभी भी घूमने जाने की शौक हुई तो फिर आप इको पार्क जरूर आना और इस शानदार जगह का लुत्फ उठाना। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करिए, कमेंट कर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपका पैर हमको देते रहे। तो फिर चलिए मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।